नमस्कार, मैं कृष्ण कुमार गावंड अविस्मरणीय चैनल की ओर से आपका प्यार भरा स्वागत। फिल्मी दुनिया में या फिल्म संगीत में दिसंबर महीने का महत्व कुछ और ही है। 14 दिसंबर को राज कपूर का जन्म हुआ था, 24 दिसंबर को रफ़ी जी का जन्मदिन, 25 दिसंबर को मौसिकार आज़म नौशाद जी का जन्मदिन। आज हम नौशाद जी के प्रति एक संगीत भरी महफिल पेश कर रहे हैं। तो शुरू में प्रस्तुत है, फिल्म संगीत में जितने शास्त्रीय संगीत पर आधारित गाने बने हैं उसमें का एक माइलस्टोन है मधुबन में राधिका नाचे रे। तो प्रस्तुत है मधुबन में राधिका नाचे रे, इसे पेश कर रहे हैं पार्श्व गायक राणा चटर्जी। मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे। मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे। मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका। मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका। दर दर दाने दादारे रे दीन ताना नाना, दर दर दाने दादारे रे दीन ताना नाना, दर दर दाने दादारे रे दीन ताना नाना, दर दर दाने दादारे।
ओ दे ताना धर धर ताना धर 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 तुम धर 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 इस गाने के पीछे एक किस्सा छुपा हुआ है। जब ये गाने की रिकॉर्डिंग शुरू थी तब निर्देशक एसयू सन्नी साहब बोले कि इतनी गाने की लंबाई है तो जब पर्दे पर यह गाना देखेंगे तो पब्लिक सिगरेट पीने के लिए थिएटर के बाहर चली जाए, तो इस गाने को हम लोग पिक्चराइज नहीं करेंगे। फिर भी नौशाद जी और रफ़ी साहब ने बोला, नहीं आप ऐसा मत कहिए, ये गाने का मज़ा कुछ और ही है, आप गाना पूरा रिकॉर्ड करके वो पर्दे पर दिखाइए, इसका मैं एक भी रुपया पेमेंट नहीं लूँगा, ऐसे मोहम्मद रफ़ी साहब ने बोला। बाद में गाना रिकॉर्ड हुआ और गाना इतना लोकप्रिय हुआ, तब सन्नी साहब रफ़ी साहब के घर गए और बोले, आपने पेमेंट नहीं लिया था उस रिकॉर्डिंग के दिन, ये मैं पेमेंट लेके आया। मोहम्मद रफ़ी जी बोले, नहीं लोगों ने गाने को पसंद किया, यही मेरा पेमेंट है। तो ऐसे एक एक कलाकार जो दिसंबर में पैदा हुए उन्होंने एक इतिहास रचा है। तो नौशाद जी का इतिहास हम देखेंगे। नौशाद जी का जन्म हुआ था लखनऊ में और उनके घराने में किसी भी संगीत का लगाव नहीं था, लेकिन बचपन से ही नौशाद जी संगीत पर प्यार करते थे। कुछ दुकानों में जाकर, एक दुकान थी जिसमें इंस्ट्रूमेंट्स बेचे जाते थे, गुरबत अली उनका नाम था, तो इंस्ट्रूमेंट बाहर से देख रहे थे उसने में, वो दुकान का मालिक गुरबत अली आए और बोले, क्या कर रहे हो? मुझे तो इंस्ट्रूमेंट देखने हैं, तो अंदर आइए। तो नौशाद जी को वो अंदर लेके गए, बोले, आपको इतना लगाव है तो आप मेरे दुकान में नौकरी करेंगे? नौशाद जी बोले, जी हाँ। और नौशाद जी नौकरी करते करते सब वाद्यों पर हाथ फिराने लगे और आहिस्ता आहिस्ता गुरबत अली ने उनको मार्गदर्शन किया और हारमोनियम और फ्लूट और कई वाद्य नौशाद जी उस दुकान में ही सीखे। बचपन में उनके पिताजी का विरोध था। पिताजी बोले, ये नखरे मेरे पास नहीं चलेंगे, मैं नौकरी करता हूँ, आपको भी नौकरी करनी पड़ेगी, तो डिसीजन ले लेना, आपको नौकरी करनी है या संगीत पे, संगीत की आराधना करनी है। नौशाद जी बोले, ने मैं संगीत की आराधना करना बड़ा महत्वपूर्ण समझता हूँ मेरी लाइफ में। और नौशाद जी ने घर छोड़ दिया और नौशाद जी चले आए बम्बई। नौशाद जी बम्बई आए, कुछ दिन फुटपाथ पर सोए, कुछ दिन एक बिल्डिंग में सोए, बिल्डिंग के स्टेयर केस के नीचे सोए थे, एक ऐसी बिल्डिंग जो दादर में आज भी है, प्रीतम होटल के बाजू वाली बिल्डिंग, वहाँ नौशाद जी रात भर सोते थे। और उसी बिल्डिंग में उस ज़माने की हीरोइन लीला चिटनिस रहती थी। और कोइंसिडेंस देखो, नौशाद जी का पहला गाना एज ए म्यूजिक डायरेक्टर रिकॉर्ड किया वो उन्होंने कंचन फिल्म के लिए लीला चिटनिस जी की आवाज़ में। नौशाद जी ने तालीम हासिल की उनके गुरु झंडे खां, जिन्होंने उन्हें असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर करके नाते बहुत मार्गदर्शन किया। नौशाद जी ने खेमचंद प्रकाश जी के साथ भी असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर करके काम किया। मनोहर खन्ना ने उनको गाइड किया, साहिब खान ने उनको गाइड किया और कई लोगों ने उनको गाइड किया। वैसे उनकी पहली फिल्म जो रिलीज़ हुई वो थी प्रेम नगर, और बाद में एक फिल्म में धमाका मचाया, धूम मचाई, वो थी फिल्म रतन, जिसके गाने सुपरहिट हुए। रतन डायमंड जुबली सेलिब्रेशन किया रतन फिल्म ने, उसकी 3.5 लाख रॉयल्टी उस ज़माने में नौशाद जी को मिली। लेकिन नौशाद जी लोकप्रिय हुए एक फिल्म से, जो फिल्म थी रतन के बाद में आई हुई फिल्म बैजू बावरा, क्लासिकी संगीत का एक उत्कृष्ट नमूना हम उसे कह सकते हैं, बढ़िया नमूना उसे कह सकते हैं। तो उसे, उस फिल्म के लिए नौशाद जी को फिल्म फेयर अवार्ड, उनकी ज़िंदगी का पहला फिल्म फेयर अवार्ड नौशाद जी को मिला था। तो सुनते हैं बैजू बावरा फिल्म का एक अविस्मरणीय गीत, एक यादगार गीत, मोहे भूल गए सांवरिया, इसे पेश कर रही है मीनल राव। जाने दी
बैजू बावरा ने डायमंड जुबली सेलिब्रेट की, उसके बाद में एक फिल्म आई जो फिल्म इंडस्ट्री में एक माइलस्टोन माना जाता है, उस फिल्म में भी डायमंड जुबली सेलिब्रेट की, वो फिल्म थी मुगले आज़म, के आसिफ साहब ने यह फिल्म बनाई थी। नौशाद जी जब फिल्म बन रही थी तो आसिफ साहब को बोले ऐसी एक फिल्म अनारकली अभी रिलीज़ होने वाली है और उसके गाने भी पॉपुलर हुए हैं और सिचुएशन भी सेम है, आप जो मुझे कह रहे हैं इस सिचुएशन पर गाना बनाओ। अनारकली में एक गाना था ज़माना ये समझा कि हम पी के आए, वो सेम सिचुएशन आसिफ साहब ने प्लान की थी। तो नौशाद जी बोले सेम सिचुएशन तो कैसे होगा? आसिफ साहब बोले आप चिंता मत करो, सिचुएशन ब्लैक एंड वाइट में है लेकिन मैं कलर्ड फिल्म बनाने वाला हूँ, ये पार्ट शीश महल बनाने वाला हूँ, तो गाना पॉपुलर करना या क्वालिटी म्यूज़िक देना ये आपका काम है। और नौशाद जी ने वो गाना ऐसे कॉम्पोज किया जो आज भी एक माइलस्टोन है, प्यार किया तो डरना क्या, से पेश कर रही है पल्लवी केळकर। एक बार मोहब्बत करता है इस दर्द को लेकर जीता है, इस दर्द को लेकर मरता
नौशाद जी की तीन फिल्मों ने डायमंड जुबली सेलिब्रेट की, रतन, बैजू बावरा और मुगले आजम। उनके 8 फिल्मों ने गोल्डन जुबली सेलिब्रेट की और 26 फिल्मों ने सिल्वर जुबली कायम की। इसका रहस्य क्या है? क्योंकि नौशाद जी ने सिर्फ मेलोडी को महत्व नहीं दिया लेकिन ऑर्केस्ट्रा को भी उतना ही महत्व दिया। हर वाद्य का उपयोग, चाहे वो भारतीय हो यानी बांसुरी हो या मेंडोलिन हो या और शहनाई हो, हर वाद्य का उपयोग, सितार हो, सरोद हो, जल तरंग हो, जैसे मधुबन में राधिका में जल तरंग का भी उपयोग किया है, हर वाद्य को इम्पोर्टेंस दिया और हर वाद्य को मिक्सिंग करके रिकॉर्डिंग परफेक्ट करना, वो नौशाद जी ने बहुत उसमें इम्प्रूवमेंट किया है। तो अब मैं प्रस्तुत करता हूँ एक ऑर्केस्ट्रेशन का अनोखा नमूना जो नौशाद जी ने फिल्म मेरे महबूब में पेश किया था, ए हुस्न ज़रा जाग तुझे इश्क जगाए। इसे पेश कर रहे हैं संदीप अगवेकर जी। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे मेरे महबूब से मिला दिया। जाग तुझे इश्क जगाए, ए हुस्न जरा जाग तुझे इश्क जगाए। बदले मेरी तकदीर जो तू होश में आए, बदले मेरी तकदीर जो तू होश में आए। ए हुस्न जरा जाग तुझे इश्क जगाए। ये प्यार के नगमे तराने तुझको बड़े अरमान से आया हूँ सुनाने, उम्मीद मेरे दिल के कहीं टूट न जाए। ए हुस्न जरा जाग तुझे इश्क जगाए। से निकल के हसरत है के रह जाऊं तेरी आग में जल के, परवाना वो क्या तुझ पे जो मिट कर ना दिखाए। ए हुस्न जरा जाग तुझे इश्क जगाए। बदले मेरी तकदीर जो तू होश में आए, ए हुस्न जरा जाग तुझे इश्क जगाए। इसी फिल्म का एक और युगल गीत मैं पेश कर रहा हूँ, याद में तेरी जाग जागते हम। उसे पेश कर रहे हैं राणा चटर्जी और शिल्पा मालणकर जी। याद में तेरी जाग जागते हम, रात भर करवटे बदलते हर घड़ी, दिल में तेरी उल्फत
धीमे धीमे चराग जलते गई हमसे प्यार की मंजिल जिंदगी की उदास राहों में तेरी यादों के साथ चलते हैं याद में तेरी जाग जाग के हम रात भर करवट बदलते से क्यों हुई दूरी हम समझते हैं अपनी मजबूरी तुझको मालूम क्या कि तेरे लिए दिल के गम आंसुओं में ढलते जमाने में वो एक ही माइक्रोफोन रहता था और सभी गायक और वादक एक ही माइक्रोफोन पर बजाते थे लेकिन नौशाद जी ने उसमें साइंटिफिक डेवलपमेंट की यानी सुधार किया और अलग अलग ट्रैक बनाने का श्रेय नौशाद जी को जाता है। नौशाद जी ने बैकग्राउंड म्यूज़िक को भी महत्व दिया। मुझे याद है कि आन फिल्म के लिए उन्होंने 100 पीस ऑर्केस्ट्रा इस्तेमाल किया जिसे लंदन में रिकॉर्डिंग किया और उसने नोटेशन भी किए और नोटेशन प्रिजर्व किए। ये बड़ा रिवोल्यूशन फिल्म म्यूज़िक में हुआ ओनली बिकॉज ऑफ नौशाद जी। नौशाद जी को उनकी ज़िंदगी में 30 से भी ज़्यादा पुरस्कार मिले हैं। उसमें महत्वपूर्ण है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और पद्म भूषण पुरस्कार जो भारत सरकार ने दिया है। उसके अलावा सुर सिंगार पुरस्कार है, बिना का गीतमाला पुरस्कार है, लता मंगेशकर पुरस्कार है। अलग अलग गवर्नमेंट ने उन्होंने
सुशोभित किया है कई पुरस्कार दे के। उनका एक और एक योगदान है कि उन्होंने नए गायकों को उस ज़माने में प्रमोट किया, जैसे कि श्याम कुमार है, उमा देवी यानी टुनटुन, सुरैया है, महेंद्र कपूर है, रुद्रनाथ मंगेशकर है, शांति माथुर है, ऐसे कई गायक बाद में एस्टैब्लिश हुए, लेकिन इंट्रोड्यूस किया था। हीरों को तराशना नौशाद जी को बराबर मालूम था, इसलिए उन्होंने उन्हें सिर्फ इंट्रोड्यूस नहीं किया, उनको मार्गदर्शन भी किया। जब उनसे पूछा गया कि आपने इतने गाने बजाए, उसमें से कौन से तीन चार गाने हमें सबसे अच्छे आपको लगते हैं और सबसे बेस्ट है आप बताइए, तो नौशाद जी बोले वो धुन अब तक तैयार हुई नहीं। इतने विनयशील थे नौशाद जी। वो कहते तो मैंने तो कुछ ही नहीं किया, हिंदुस्तान की मिट्टी में इतना संगीत भरा है, लोक संगीत है, शास्त्रीय संगीत है, उसे मैं सिर्फ चुन के आपके सामने पेश कराऊँ, यानी पुरानी शराब है उसको मैं सिर्फ बोतल में भर रहा हूँ, यही मेरा काम है, ये श्रेय मेरा नहीं है। वो कहते हैं दरे गैर पर भीख ना मांगो फन की, दरे गैर पर भीख ना मांगो फन की, जब अपने ही घर में खजाना बहुत है। आखिर में पेश करता हूँ एक ऐसी मेलोडियस धुन, एक ऐसा मेलोडियस गाना जिसमें इन तीनों का, जिनका जन्म दिसंबर में हुआ है, उनका योगदान है। 11 दिसंबर दिलीप कुमार के जन्मदिन है, 24 दिसंबर को रफ़ी साहब का जन्मदिन है, 25 दिसंबर को नौशाद जी का जन्मदिन है। तो आइए इन तीनों हस्तियों को अविस्मरणीय का एक प्यार भरा सलाम, आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज़ न दे। सकता साज न दे, दर्द में डूबे गीत न दे, गम कस सकता साज न दे। काम नहीं है
राहों से कोई मुझे आवाज न दे, आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज न दे, दर्द में डूबे गीत न दे, गम कस सकता साज न दे, दर्द में डूबे गीत न दे, गम कस सकता साज न दे। मुझे उम्मीद है ये पेशकश आपको पसंद आई होगी, तो मेरे अविस्मरणीय चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।